नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है. क्वेश्चन सेज इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट. सवाल ये है द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ, तो हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं. अगेन सवाल मुश्किल नहीं है. डायरेक्ट फार्मूला का यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ फार्मूला का यूज़ करेंगे हम. ये पता है, हमें ये बात पता है कि फर्स्ट मिनिमा जो हमें चाहिए उसकी लोकेशन यहाँ पे ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए विड्थ दे रखी है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं फर्स्ट मिनिमा आएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा पे आपकी फर्स्ट लोकेशन आएगी. थीटा यहाँ पे अपने को थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री दी हुई है, यानी कि हो जाएगा ए मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, विच इम्प्लाइज ए की वैल्यू 2 लैम्डा हो जाएगी. तो पहली चीज़ तो ये आ गई कि विड्थ जो है आपकी वो लैम्डा की टर्म में आपकी विड्थ आ गई, तो उसकी विड्थ ट्वाइस लैम्डा है. नाउ इस केस में जब हम बात करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेगा, उसके लिए हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा डैश जो आएगा. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब सेकेंडरी वेवलेंथ की, तो उस केस में जो आपका पार्ट डिफरेंस है ये वो आ जाएगा 3/2 लैम्डा पे. सो यहाँ पे हमें बस थीटा डैश की वैल्यू बतानी है. ए की वैल्यू ऑलरेडी 2 लैम्डा आ गई है, इसको अगर आप इंसर्ट करेंगे ये बनेगा 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा डैश विल बी इक्वल टू 3/2 लैम्डा. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डैश आपका आ गया 3/4 विच इम्प्लाइज आपका थीटा हो गया साइन इनवर्स 3/4. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी साइन इनवर्स 3/4 वुड बी द राइट आंसर.